आज मिडडे के लिए मुझे इनवाइट किया गया है एंड आई होप आई गेट अ ट्रॉफी टुनाइट. बहुत कम अवार्ड्स है जो मैं अटेंड करती हूँ. आई गॉट अ GQ ट्रॉफी, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड देन रेड FM एंड नाउ दिस वन. एंड माय अपोलॉजीज टू द मीडिया कि मैं थोड़ी लेट आई, बट आज तो बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर था ना, तो मनारा की वाइब तो ज़रूरी थी. आई हैड टू गो लाइव, सो दैट्स द रीज़न आई गॉट लेट एंड सो अपोलॉजीज फॉर दैट. बट I hope you are going to enjoy the new season of Big Boss. Well, Big Boss ke jo baat aayi gayi hai to host Anil Kapoor hai, aur you have to say are you excited for Anil Kapoor sir? I am so looking forward. In fact, I just went live and I think Anil sir is looking terrific the way he is interacting with all the contestants and you know welcoming them with such a in his own jhakas manner. So I have all the respect for Anil sir, and when I was in the house I got an opportunity to sing for him, so I'm very excited and I hope my new song is coming on the 27th. Naya gaana aa raha hai, so I hope hum kuch acha collab kare Big Boss ke saath. Are you going to miss Salman? I always miss Salman sir. I think he's always been my mentor, and even when I was coming out of the house on the final day, I'm very blessed that I got to see the final day at the house, and he gave me such amazing tips, and now I am trying to incorporate and imbibe all the tips which he gave me, and he is my mentor forever. So I'm definitely missing Salman sir, but I think Anil sir, we cannot deny the fact he has also got his own vibe. बिग बॉस इज़ वन प्लेटफॉर्म जिसने मुझे आप सबसे इतना ज़्यादा करीब कर दिया है, तो आई थिंक बिग बॉस इज़ लाइक अ होम ग्राउंड एंड वेन एवर दे विल कॉल मी आई ऑलवेज बी देयर, लाइक हाउ आई वॉज इन द ओपनिंग, एंड आई फील ऑनर्ड दैट दे चोज मी टू यू नो गो लाइव ऑन द ओपनिंग डे. थैंक यू. शाहरुख सर, आमिर सर भाई, आपको ये यहाँ पर जहाँ डेनिम साहब यहाँ पर आए, यंग किरदार की तरफ मैं जाने वाला हूँ? नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊँगा, पर मेरी जितनी उम्र है उसी हिसाब से काम करूँगा. अवार्ड जो भी होता है ऑफकोर्स आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आप मोटिवेट करने के लिए होता है ऑफकोर्स, और अच्छी बात है. हमारे यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है. और मैं मिडडे का यही कहना चाहूँगा, जो क्रेडिबिलिटी इन्होंने बना रखी है वो आगे कंटिन्यू रखें, तो वेल एंड गुड. फिल्म के पीछे जो ये बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनकी अहम भूमिका, और स्क्रीन प्ले तो नो डाउट बहुत बड़ी बात है. स्क्रीन प्ले तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे और हमें और स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन प्ले ही मतलब पूरा कैसे दिखेगी फिल्म, कैसे जाएगी वो निर्भर होता है उसके ऊपर, स्क्रीन प्ले के ऊपर. मेरे बहुत सारे फेवरेट राइटर्स हैं, भावेश एक राइटर हैं और अनुराग हैं, अमेजिंग राइटर हैं, और बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे कंट्री में, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं. हाँ, स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता जिनको, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं बट वो उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं, काम करना कुछ लोग बंद कर देते हैं, कुछ लोग प्रयास करते हैं आगे बढ़ने के लिए. बहुत सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और कंटिन्यू रखना चाहिए, जज्बा रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए. मैं तो अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ, और डेफिनेटली आज भी तो कल ज़रूर मिलती है सक्सेस. मुझे ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, एंड ये दिल दोस्ती डिलेमा की वजह से मिला है. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अवार्ड, क्योंकि हम जब एक शो करते हैं उसके बाद अगर लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोगों का प्यार इतना मिला है, उसके बाद अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड स्पेशली मिडडे की तरफ से जो इतना एक एस्टीम्ड यू नो न्यूज़पेपर है एंड मीडिया हाउस है, उन्होंने इतने अच्छे से मुझे
अवार्ड दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. There's so many things in pipeline that I cannot talk about, but there's something coming up very soon, and I'm so so excited to talk about it, but I cannot right now. But just stay tuned. Social media पे बहुत ज़्यादा buzz बना हुआ है. उससे बड़ी फीलिंग कुछ है ही नहीं कि आप अपने कंट्री को कहीं रिप्रेजेंट करते हो, दैट टू इंटरनेशनली. एंड मीडिया की तरफ से इतना प्यार मिला है, लोगों की तरफ से हमेशा बहुत ही प्यार मिला है मुझे बचपन से. एंड मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे जाकर भी इंडिया का नाम और रोशन करूँ और आगे बढ़ूँ एंड सबको प्राउड फील करवाऊँ, नॉट ओनली बिकॉज आई एम एन एक्टर बट ऑल्सो बिकॉज आई एम एन इंडियन. सो या दैट्स अभी तो अच्छा मेरे फ्रेंड्स में से तो अभी कोई नहीं गए हैं, बट आई वुड वांट टू विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, क्योंकि उन्हें विशेस की बहुत ज़रूरत है. स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट, या आई होप ही डज वेल. थैंक यू, थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत अच्छा लग रहा है दैट पीपल आर सपोर्टिंग एंड दे लविंग माई वर्क, एंड आई होप दैट आई ऑलवेज गेट टू डू दिस. दिस इज द बिगेस्ट ड्रीम दैट आई हैड इन माई लाइफ, सो आई एम ग्लैड एंड थैंक यू. सी लोगों का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है मोर देन एनी थिंग, एंड अवार्ड्स आर जस्ट अ थिंग दैट कीप्स यू गोइंग. That's an appreciation that you get कि हाँ तुम जो काम कर रहे हो it's good and people आपको बहुत प्यार दे रहे हैं. So I think yeah, that's why I think for an artist an award is really meaningful and it's a huge it's a blessing actually. पॉजिटिवली लेना चाहिए आई थिंक. ज़्यादा नेगेटिव ऑलरेडी बहुत हो चुकी है दुनिया, तो जितना हो सके आप पॉजिटिव चीज़ों को देखो और आप जैसे रह रहे हो वो भी पॉजिटिव रहो. आई फील लाइक पर्सनली फॉर मी आई हैव ऑलवेज बीन अ पॉजिटिव पर्सन, सो आई डोंट सी द नेगेटिविटी इन पीपल. सो राइट नाउ तो लव की अरेंज मैरिज इट्स आउट ऑन Z5, प्लीज डू वॉच इट. एंड द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो समथिंग रियली कम्प्लीटली डिफरेंट दैट विल ब्लो योर माइंड, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. थैंक यू सो मच. यस देखिए बहुत अच्छा लगता है जब एक इतना नामचीन न्यूज़पेपर और एक ऐसी डेली जो हर कोई पढ़ता है न्यूज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और हमारे देश में जो भी चल रहा है उन हर चीज़ों के लिए. एंड आई एम सो ग्लैड कि जब मिड्डे ने मुझे फ़ोन किया कि वो मुझे मराठी सिनेमा के कंट्रीब्यूशन के लिए नवाजना चाहते हैं, तो आई वाज़ वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम हियर टू यू नो एक्सेप्ट दैट अवार्ड एब्सोल्युटली ग्रेशियसली. सो थैंक यू सो मच. हाँ जी भाई कश्मीर महाजनी गया हुआ है एंड वो मेरा दोस्त भाई सब कुछ है. एंड मुझे आज ऐसा पता लगा है क्योंकि आज ही मेरी उससे बात हुई कि बेचारे के स्टंट्स थोड़े 19-20 चल रहे हैं, सो आई वांट टू गिव हिम ऑल द लक एंड लव दैट ही डिजर्व्स बिकॉज ही इज़ द बेस्ट और वो जीतेगा बस. है ना, बस वो कैसे भी तो निकल जाए और विनर हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. शिल्पा भी है, यस यस ऑफ कोर्स. वेल विशिंग हर ऑल द बेस्ट, शी इज एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग और बहुत कमाल का करती है वो जो भी करती है वो. अरे भाई मेरे को कुछ भी पता नहीं है. इट्स ग्रेट यार, आई थिंक एक एक लेजेंड के बाद दूसरा लेजेंड उसे होस्ट कर रहा है और क्या ही चाहिए. I shall let you know the people waiting in queue. जनता देती है अप्रिसिएशन से ये अवार्ड, वो परफॉर्मेंस वो मेहनत की रिकॉग्निशन होती है जिसके लिए आई थिंक एवरी आर्टिस्ट इज वेटिंग फॉर. तो अच्छा लगता है जब हमें सराहा जाता है, प्यार दिखाया
जाता है और परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं. एक आर्टिस्ट की ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ बढ़ावा है, एक रिकग्निशन है, अच्छा लगता है जब वो रिकग्निशन. नहीं मैं मम्मी ठीक हूँ, थैंक यू. कोई नहीं है एक आर्टिस्ट के लिए जो उसको मिल सकता है, और अगर मुझे मिलता है तो जैसे नीरज चोपड़ा को फील हुआ था ना वो ओलंपिक फेंकने से पहले, वो जैवलिन फेंकने से पहले, तो वैसा ही मुझे भी फील होगा. एंड आई थिंक मुझसे लकी इंसान कोई होगा नहीं उस दिन, तो दैट विल बी इट. मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट करने वाला आदमी हूँ नहीं, एंड दैट इज़ वाई आई चूज़ मुंजा. और कितना प्यार मिल रहा है वो शायद मैं कभी बता ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो कुछ भी मिल रहा है वो सिर्फ प्यार से ही मिल रहा है. एंड एक आर्टिस्ट के लिए उससे बड़ी देयर कांट बी एनी अल्टीमेट थिंग देन दैट. तो वही पब्लिक वैलिडेशन के लिए ही हम काम करते हैं, एंड व्हेन दैट कम्स नथिंग लाइक इट. अरे यार बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया है. करण जौहर सर जो मतलब इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द कोर्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कभी खुशी कभी गम से लेकर अभी रॉकी रानी तक, तो उन्होंने जो जैसे इवॉल्व किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, ही इज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन. तो जब वैसे पर्सनैलिटी आपकी क्राफ्ट में आपके परफॉर्मेंस में बोलते हैं दैट यू आर फिनोमिनल एंड दे रियली लुक फॉरवर्ड टू व्हाट आई डू नेक्स्ट, आई मीन वो कॉम्प्लीमेंट मतलब सर माथे पे रखने वाली बात है. एंड फ्रॉम हिम वो टू अ 5-year-old गर्ल जिसको मैं थिएटर में मिलने गया और उसने अपने गले की चेन मेरे को उतार के अपने उतार के और मुझे पहना दी, तो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही स्पेशल हैं एक आर्टिस्ट के लिए. और सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक अगर दिल छू सकते हैं तो मतलब इससे बड़ी कोई जॉब हो ही नहीं सकती दुनिया में. तो मैम आई बिलीव इन सरप्राइजेज एंड आई वुड श्योरली लाइक टू सरप्राइज द ऑडियंस, बट हैविंग सेड दैट मुंजा इज नॉट अभय वर्माज विन, मुंजा इज एवरी अदर एक्टर्स एवरी अदर प्रोड्यूसर्स विन जो कि कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू यू नो बी द फ्लैग बेरर ऑफ एनीथिंग एक्सपेरिमेंटल विच हैज़ वर्कड इन द सिनेमाज, क्योंकि थिएटर पे लाना ही बहुत बड़ी एक वो टास्क हो गया है ऑडियंस को. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुंजा ये कर पाया, एंड अगर मैं उस चीज़ का फेस बन सकता हूँ देन आई मीन नथिंग लाइक इट. यार ऑनेस्टली मैं इस तरीके को वैसे सोचता नहीं हूँ. आई बिलीव इन वी ऑल आर वर्किंग टू एंटरटेन द ऑडियंस, तो अगर वो हम किसी भी तरीके से कर पाए, हम एक यार मिक्स फ्लावर्स का बुके हैं हम सब आर्टिस्ट, तो वो ऑडियंस को प्रेजेंट करना है, तो किसी भी ऑडियंस को कुछ भी फ्लावर पसंद आए तो वो अपने हिसाब से पिक कर ले. एंड आई थिंक अच्छे कॉन्टेंट की जीत है, सो आई बिलीव सब पिक्चरें चलनी चाहिए यार, और सबको ऑडियंस को अपना अपना वो मिलना चाहिए जो उनको चाहिए फिल्म के थ्रू. थैंक यू. राइट भेड़िया का हाँ टीजर दिखा था, करेक्ट सॉरी. फिंगर्स क्रॉस, श्रद्धा कपूर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन एंड फेवरेट एक्टर ऑल्सो, तो अगर उनके साथ अगर काम करने को मिल जाए तो नथिंग लाइक इट. आई थिंक वो एक और लेवल होगा जो हम सरपास कर जाएंगे, सो आई विल बी एक्साइटेड फॉर दैट. आई विल बी एक्साइटेड. ओ बाप रे, नथिंग आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आई कंप्लीट यू एंड यू कंप्लीट मी एंड दैट इज़ ऑल. आपसे मैं हूँ और आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर देन एन आर्टिस्ट कैन आस्क फॉर, और आपने वो सब दे दिया है मुझे. एंड आई बिलीव एंड आई रियली होप कि आगे जो भी करूँ I proved to be worthy of your love. That's all. Thank you so much. I'm very excited. Actually, I'm going to be awarded as the best celebrity astrologer of Bombay, and I'm really excited. I just got an award 10 days ago,
and this is my third award. So yeah, I'm thanking Midday for inviting me for this, and yes, I'm excited. Thank you. Excited और मैं अपने ब्रांड को यहाँ लेके आई हूँ. सो द ब्रांड इज कुकी डो और मैं उसकी एक शेफ हूँ. मोर देन द ओनर एंड द शेफ ऑफ दिस ब्रांड. सो आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टू एवरी वन द कुकी डो. किरदार भी बहुत तगड़ा है. मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि आपके किसी किरदार को अभी इस कमबैक के दौरान अगर किसी अवार्ड को नेशनल अवार्ड मिलता है तो आपकी क्या फीलिंग था, एक्साइटमेंट होगी? अगर नॉमिनेट हुआ तो ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटमेंट तो होगा ही. यू नो, इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद, यू नो, टू बी एक्नॉलेज इज आई गेट दिस वार्म वेलकम इज ऑलवेज वेरी स्पेशल एंड वेरी हार्ट वार्मिंग. ओके, थैंक यू, थैंक यू. देखिए, इंसान जिस शिद्दत से मेहनत करता है उसके बाद अगर आपको अवार्ड मिलता है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है. आई एम थैंकफुल टू मिडडे जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया और बेस्ट लाइव एक्ट का मुझे अवार्ड मिल रहा है. बिकॉज मैं साल में 365 दिन में एटलीस्ट 300 शोज करता हूँ लाइव, तो इसलिए मुझे अवार्ड मिल रहा है. आई एम थैंकफुल टू मिडडे. बहुत शुक्रिया आप सभी का भी, आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. First of all, I am excited to be at Midday because Midday is iconic and this is Midday Showbiz Icon Awards. So it's a pleasure to be part of it. I'm going to be meeting a lot of talented people from the industry and yes, looking forward for an entertaining show. Thank you. हाँ, आई थिंक हर एक्टर अपने लिए अवार्ड देखता है एक्टिंग के मायने से ही, कि उसको एक बेस्ट एक्टर होने का ही अवार्ड मिले. सो डेफिनेटली मैं भी उसी नज़र से देखती हूँ. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन ऑल्सो. इवन हाँ, मुझे भी काफ़ी यूनिक लगा था एंड आई वॉज क्वाइट नर्वस कि यार मैं कैरी कर पाऊँगी, बट देन आई वॉज लाइक कि मीडिया वाले तो अपने ही लोग हैं, कैरी कर पाऊँगी. सो आई जस्ट वोर इट. सून यू विल गेट टू नो, बट अच्छा ही है कुछ. विद अंकित देयर इज अ म्यूजिक वीडियो कमिंग सून. ऑल्सो प्रियंका, यू नो, आप और बिग बॉस की बात ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता. आज प्रीमियर होने वाला है और अनिल पर ऐसा हो क्यों नहीं सकता. आपको क्या कहना है अनिल कपूर सर के बारे में? ओ यस, आई सॉ द प्रोमो एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि यार अनिल सर की एनी वेज पर्सनैलिटी ऐसी है झक्कास, तो डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा देखने में भी. सो या थैंक यू, थैंक यू. बस आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग और अंग्रेज़ा को बहुत प्यार दे रहे हैं एंड इसी तरह जो भी सॉन्ग्स जब भी आते हैं और लिसनर्स का प्यार मिलता है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है. जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत बहुत टाइम से, आई मीन बहुत पुराना है ये, चले आ रहा है एंड इट इज़ सच एन अमेजिंग यू नो प्लेटफॉर्म टू बी एट और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर. थैंक यू. दिस माई फर्स्ट टाइम एट मिडडे अवार्ड्स, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी एवरीवन इनसाइड. माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी. बहुत खुशी होती है यार, यू नो, व्हेन यू पुट इन सो मच एफर्ट इन अ प्रोजेक्ट, ब्लड स्वेट टीयर्स and people are loving your work and especially like in the Archies people love me as Jughead and I was really honored and grateful for that, grateful to Zoya for that. So yeah, it worked out for me really well. So Triumph Pictures ki ek film thi NSD jiske liye mujhe award mila hai for best performer and along with me Veronica also got the award for the same thing. So we are pretty excited and very happy to be here.
And yeah, we would like to thank the producers and Triumph Films and Midday for the support. So thank you. Yeah, thank you so much Midday for having this. And of course, actually this is my first event in Mumbai. I'm from Kolkata, I'm a Bengali actor. So I'm really overwhelmed getting this award. सो आई थिंक मैं हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट चुनती हूँ जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट लगे, मुझे लगता है जो एक मैसेज बाहर तक पहुँच सकता है. मैंने हमेशा वैसे किरदार किए, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे ऑफर्स होते हैं. तो यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करना है तो यू नो आपको हर तरीके का रोल करना चाहिए. और जैसे आप बोल रहे हैं मुझे ऑफर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो फ्रैंकली अभी मेरा पूरा फोकस आम्रपाली पे है बिकॉज आम्रपाली इज़ कमिंग. एंड मुझे लगता है कि उसमें ही मेरी बहुत सारी एनर्जी जाने वाली है. एंड आम्रपाली कैसा खुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए, डांसिंग स्किल्स चाहिए. तो मैं एक्चुअली सिर्फ अभी उसी पर टोटली फोकस हूँ और देखते हैं. लेकिन मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो किरदार मेरे पास आते हैं मैं उन्हें अपने तरीके से मूव करके बनाना चाहती हूँ उसको. क्योंकि जहाँ तक पुरानी कभी का आपकी बात है झलकरी भाई, शायद हम उन्हें से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन आज शायद पुरानी कभी का की वजह से झलकरी भाई को सब जानते हैं. सो यू नो मुझे वो किरदार करने जो मेरे पास आए मैं उसको अपना 100% दूँ. I should be just here for this. अलग अलग करी वो एपिसोड था. बाकी मैं वहाँ अपने आप को ही पेश कर रही हूँ, खाना बना के. आगे भी पता नहीं, देखते हैं आगे का क्या. अभी का पूछो क्या है. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई थिंक अनिल सर हमारे टाइम पे भी बिग बॉस में आए थे और आई थिंक इज अ वेरी गुड विद एंटरटेनिंग पीपल. आई मीन वहाँ लोग जितने होते हैं वो ऐसा कोई होस्ट चाहिए जिनका सुनना बहुत जरूरी है. तो आई थिंक अनिल सर हैज दैट पावर, दैट अथॉरिटी वेयर अगर कोई वो बैठेंगे तो आई एम श्योर वहाँ जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी थोड़ी तो. No, I am any which way a big challenger in myself. I don't want to go to the cross house. No. But I am very busy now. Thank you. So I'm pretty blessed. It's a 6-section basically. So it's all for the entire media, midday teams. Because Sabina, she has an approach. And they are doing the hard work. It's all the best. अभी अंदर जाना तो मालूम पड़ेगा ना. जो टाइम है तभी बहुत अच्छा था. कुछ मिड्डे के अवार्ड से वन ऑफ दी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और रानी सर को अवार्ड दिया जा रहा है, मुझे भी सम्मानित किया जाएगा. तो डेफिनेटली इट्स हाई पॉइंट इन आवर करियर और अच्छा लग रहा है. अभी आगे देखते हैं कैसा होता है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.